आम जनमानस की समस्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया जाना अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में रोजाना कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 107, 111 सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है। नोटिस का आशय, जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, उस व्यक्ति को यह बताया जाना है कि उनके संबंध में शांति भंग होने अथवा किसी तरह सार्वजनिक शांति भंग किए जाने की संभावना है और उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह विश्वास है कि आपके द्वारा शांति भंग की जा सकती है, तब आपसे क्यों न बॉन्ड ले लिया जाए, मुचलका ले लिया जाए। इस संबंध में आपको नोटिस दिया जाता है। नोटिस का आशय केवल आपको सूचना देने से है, समन नहीं है। समन का आशय बुलाने से है कि आप आएं। नोटिस और समन दोनों बातों में अंतर है। नोटिस से आपको जानकारी दी जा रही है और समन से आपको बुलाया जा रहा है। तो यहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपको इस बात की जानकारी देता है कि आपके संबंध में हमें सूचना मिली है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको उस संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम के कार्यालय में नियत दिनांक को जाकर के जो नोटिस आपको दिया गया है, धारा 111 सीआरपीसी, उस नोटिस का जवाब देना चाहिए। आप लिखित में जवाब दें, प्रार्थना पत्र लिख करके दें और ये बताएं कि जो भी सूचना आपको हमारे संबंध में मिली है वो सूचना सत्य नहीं है, असत्य है या अन्य कोई आपके पास कोई सबूत हो, तब तो आप वो साथ में संलग्न कर सकती हैं। थाने से जो भी सूचना आई है वो गलत तथ्यों पे आई है। आपको नोटिस दिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट ये चाहता है कि आप उसका स्पष्टीकरण दें, तब ये जाकर आपको स्पष्टीकरण देना है। इस स्तर पर आपके संबंध में ये तय नहीं किया गया है कि आपको बाउंड किया जाएगा या जो सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को दी गई है, एसडीएम को दी गई है, उस सूचना के संबंध में निर्धारण नहीं हुआ है वो सूचना सही है या गलत है, अभी निर्धारण किया जाना है। लेकिन व्यवहार रूप से हमें नोटिस मिलता है और हम जाकर के मुचलका दे देते हैं, अपने आप को वॉन्ड कर देते हैं, जबकि हमसे पूछा जाता है कि क्यों ना आपको बॉन्ड डाउन किया जाए, क्यों ना आपसे मुचलका लिया जाए जिससे आपको रोका जा सके, जिससे आप पर प्रतिबंध लगाया जा सके कि आप ऐसी घटना ना करें। केवल ये आपके और मजिस्ट्रेट के बीच का पत्राचार है, ये एक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। इसलिए इस आंतरिक प्रक्रिया पर कोई सेशन कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है, इसका रिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है।
आप किसी अदालत में जाएंगे, उस स्थिति में यह देखा जाएगा क्या यह फाइनल ऑर्डर है। इस स्तर पर यह फाइनल ऑर्डर नहीं है। और जब कोई बात मन में चल रही हो, एक आंतरिक रूप से चल रही हो किसी संबंध में, तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसके विरुद्ध रिवीजन में रेमेडी नहीं है, उपचार नहीं है। बिंदवासनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1976 की डबल बेंच में यह निर्णय किया गया कि नोटिस का आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, आंतरिक आदेश है। यह केवल आपको जानकारी दी गई है, अभी निर्णय नहीं किया है। अब मजिस्ट्रेट आपके जवाब देने के बाद जांच करेगा और निर्णय करेगा क्या जो सूचना आपके संबंध में थाने से अन्यथा आई है वो सत्य है असत्य है। और जब ये पाया जाए कि सूचना सत्य है, तब कहा जाएगा, तब आदेश होगा कि आप मुचलका दाखिल करें, निश्चित समय के लिए बाउंड डाउन किए जाएंगे। उस स्थिति में आपके पास ये अधिकार होगा कि आप उस आदेश को चैलेंज करें। ये स्तर है, आपको इस स्तर पर चैलेंज करना है। इससे पहले कोई मुचलका दाखिल नहीं करना है, इससे पहले किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करना है। लेकिन अधिकतर मामलों में रोजाना इतना घबराहट हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि वो सीधे सीधे कोर्ट में मुचलका दाखिल करते हैं, या ऐसे अधिवक्ताओं का साथ होता है वो उनसे मुचलका दाखिल करा देती हैं। उस स्थिति में आपको बाउंड कर दिया जाए वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, कई बार बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप घबराएं नहीं और केवल आप उस नोटिस का जवाब दें, और जवाब के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के निर्णय का इंतजार करें, उसके बाद कार्रवाई कराई जा सकती है। ये बड़े स्तर पर इन मामलों का रोजाना होना पाया जा रहा है और बहुत लोग परेशान रहते हैं। मुझे भी बहुत फोन कॉल्स आती हैं, रोजाना पूछा जाता है। तो इस संबंध में मैंने ये दूसरा वीडियो आप तक सारी बातें क्लियर करने के लिए बनाया है, और मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और सारी बातें जो कमेंट में होंगी मैं उन्हें क्लियर करूंगा। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।